वक्त मैं अपनी छत के ऊपर हूँ और मुझे लगता है कि सबसे ऊंची छत हमारी है पूरे एरिया में, और यहाँ से हम पूरे लाइक एरिया को देख सकते हैं क्या क्या आप हर किसी का घर हमें नज़र आता है, और मेरे मामू का घर भी उधर, वो वहाँ से वो भी नज़र आ जाता है। आज हम जा रहे हैं वन पे। वन पे वन क्या होता है? वन होता है जो पथरीली जगह होती है जहाँ मछली होती है। हमें गोंगलू मिला अभी, ये देखिए कच्चे गोंगलू, ये देखिए गाइस एक मछली पकड़ लिया। देखिए बड़ी उम्र को आ रहा है यार, मेरा भाई व्यू देखो, व्यू देखो कितना मजे का यार, बहुत ही मजे का व्यू आ रहा है। सो गाइज वेलकम बैक विद इन अ न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग के अंदर मैं आप सबको वेलकम करता हूं, और आज मैं जा रहा हूं हमारे नए घर से पीछे, वो छत पे मैं आपको दिखाता हूं, पीछे ना वो दायरा अभी का बंद है। हम उधर जा रहे हैं, वहाँ पर मैंने सुना है कि वहाँ पे आई हुई है मछली वगैरह, ये देखिए अभी तो सारी सोसाइटी वगैरह बन गई है, लेकिन हमने इधर क्रॉस करके वो जहाँ पर आपको धुंध वगैरह नज़र आ रही है हमने वहाँ उधर जाना है। तो अभी हमें सुना है कि वहाँ पर आई हुई है मछलियाँ, तो अभी हम जाते हैं वहाँ पर जगह वगैरह देख के आते हैं मछलियाँ आई हैं नहीं आई, फिर अगले व्लॉग में हम जाएंगे वहाँ पे क्या उसका नाम है मछली फिशिंग करने के लिए। और मेरे साथ इलाजा, इलाजा इधर आओ यार, आप भी कहाँ जाना है आपने? बंद पे जाना है। क्या करना है? मछलियाँ पकड़ने और देखने के अगर मछलियाँ आई हुई हैं या नहीं। भाई सही है, तो अभी हम मैं और लाजा जाने लगे हैं, सलीम भी आ गया साथ, बिना किसी देरी के चलते हैं वहाँ पे। दोस्तों अभी हम ये बंद के ऊपर ही, मैं ये देखते हैं अभी इतना पक्की सड़कें सड़कें वगैरह सारी हो गई हैं, सड़कें वगैरह बने, पहले यहाँ पे ना सारी मिट्टी थी, आगे मैं जब जाऊँगा तो वहाँ पे मिट्टी होगी। देखिए अब सोसाइटीज़ वगैरह का, आपने बाई तरफ देखें यहाँ पे भी सारे खेत वगैरह थे, अभी सोसाइटीज बन गई, और दाएँ हाथ देखें अभी खेत हैं लेकिन ये भी सोसाइटी ने जगह ले ली है, पीछे भी सारे घर वगैरह बने हुए हैं, ये सारी सोसाइटी ने जगह ली हुई है। तो अभी हम आगे चलेंगे इससे भी कोई लाइक 5-6 किलोमीटर जहाँ हमने चल के जा रहे हैं, तो चल के जाएंगे क्योंकि रास्ते में हम इंजॉय भी करेंगे, वहाँ जाके देखते हैं दरिया रावी का होगा किनारा लगता है, और वहाँ से सारा पानी आया हुआ है, वहाँ पे देखते हैं मछलियाँ आई हैं या नहीं, चलते हम। लगता है बहुत सारा होगा, लाइक बचपन से तो हम भी इसको देख रहे हैं, इसको मेरे ख्याल से कोई हो गए होंगे 50 साल या 60-100 साल हो गए होंगे, फिर वगैरह पड़े हुए सारे पीछे खेत, कितने मजे का व्यू आ रहा है ये देखे गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारे पत्थर हैं, और पीछे व्यू देखे कितने मजे का व्यू आ रहा है। सही लगता है क्या यार, गाँव की लाइफ बड़े मजे की होती है, क्यों लाया जी इस तरह ही है? ऐसे ही है, गन्ने गन्ना ले लिया हमने, अब चलते हैं फिशिंग करने के लिए। वो देखिए वो देखिए, तो गाइस ये देखिए संगोल अभी मिली है हमें, क्यों लाजा भाई क्या इसको कहते हैं संगोल, कहते हैं क्या कहते हैं, क्यों क्या कहते हैं लाजा भाई इसको? संगोल, संगोल कहते हैं इसको, वो देखे गाइस भाई चले हम फिर गाइस, ये देखे टूबल है साथ, और ये देखे ये संगोल अभी नीचे उतरी है, और वो देखे इंसान टूबल है, अभी हम तो जाते हैं भाई हमारे पीछे ना लग जाए। फाइनली अभी हम अपनी मंजिल में पहुंच चुके हैं, ये सारा पानी दरियाए रावी से होके आया, दरियाए रावी तो अभी बहुत आगे, वो देखिए वो नजर आ रहा, इससे भी आगे हमें जाना पड़ेगा, वो भी कोई 3-4 किलोमीटर आगे, इससे भी आगे अभी हम 6-7 किलोमीटर चल के आए हैं, लेकिन इससे भी आगे जाना पड़े, लेकिन यहाँ पे मछलियाँ वगैरह हैं बहुत सारे, देखें लोग आए हुए मछली पकड़ने, मछेरे वगैरह आए हुए हैं फिशर्स मछली पकड़ने के, और ये देखिए इस साइड पे ट्यूबवेल भी है, आपको ट्यूबवेल दिखाते हैं, अभी हम फिर चलते हैं और जाके देखते हैं मछलियाँ वगैरह आई हैं नहीं, फिर अगले भी लोग में हम आएंगे यहाँ पर फिशिंग करने के लिए। ये देखिए एलजी वगैरह सारी थी, ये सारी सूख गई है, तो उसके साथ इस साइड पर सारा पानी हो गया, और वहाँ पे देखिए लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, किसी लोग आए हुए हैं,
मछली वगैरह पकड़ रहे हैं, अगले ब्लॉग में हम भी आएंगे, हम फिशिंग वगैरह करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं, ये पानी भी बहुत कम है, हम दूसरी साइड पे चलते हैं, आगे और भी ज़्यादा मछलियाँ वगैरह आई हुई हैं। ठीक है, तो सलीम भाई आपको क्या मिला अभी? ये शलगम मिला हमारे पंजाब में, एक मशहूर डायलॉग है, साई 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 कच्चा गोंगलू ना खाई। नहीं भाई, आपने कच्चा गोंगलू नहीं खाना, सही है? मैं तो खाऊंगा भाई, वो साई के लिए बना है, खाएंगे। मिला आपको वो कच्चा गोंगलू, खा के दिखाएं आप भी। राजा भाई कच्चा गोंगलू खा के दिखाएं आप। खा के अभी गंदा है, अभी धो के खाएंगे। भाई ये देखिए हमें गोंगलू मिला अभी, ये देखिए कच्चे गोंगलू। क्यों जी दोस्तों, अभी हमें ये गोंगलू मिले, अभी हम गोंगलू खाते हैं। सही है यार भाई, अभी खा लो यार, अभी सारी उम्र हम मट्टी में गुजार दी है, अभी इसको लाइक करेंगे हम, खाते हैं, शर्ट के साथ साफ कर लेते हैं इसको। मेरा भी भी हम पीछे पानी से ये अगले वाली जगह पे आए, यहाँ पे लगता है मछली सही है, क्योंकि यहाँ पे बगले वगैरह भी उड़ रही है। ये मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ, आज ऊपर आओ जाना। क्या मत देखा यार, बहुत ही मजे का व्यू आ रहा है। तो गाइस ये लगता है कि हमें इस जगह पे मछली वगैरह होगी, इस जगह पे भी एल्गी वगैरह भी नीचे है, और सारे बगले वगैरह भी इस जगह पे आ रहे हैं ताकि वो भी मछली वगैरह उठा सके। तो अभी हम अगले भी लोग में इस जगह पे आएंगे, सामान लेके फिशिंग स्टिक के साथ आएंगे ताकि मछली पकड़े जाएंगे। भाई ने हाथ के साथ मछली को पकड़ लिया, मुस्लिम भाई पकड़ लिया। ये देखिए गाइस, ओ फेंक दे उठा के फेंक दे यार। अगले भी लोग में हम लेके आएंगे, मछली पकड़ लिया, बड़ी बड़ी मछली इसने पकड़ी। और अगले दिन भाई सुबह आएंगे हम पूरी तैयारी के साथ, और फिर आके मछली पकड़ ली। भाई फेंक दो अंदर यार, वो जाने लगे। Thank you.